उसमें इतना गुस्सा? जाहिर सी बात है, बचपन से साथ रहे हैं, इतनी दोस्ती तो हो ही जाती है। क्या बकवास कर रही हो तुम आज ये? जी मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, प्यार करते थे, सिर्फ फूल ही तो दिए। जब ये ना पता हो ना कि कब कहां क्या बात करनी है तो मुंह बंद रखना चाहिए, समझी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि उस मनहूस लड़के को भूल जाओ, लेकिन तुम तो मुसलसल मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचा रही हो। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? फिर से कुछ कर दिया इसने? अलीना ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें मत बोले। क्यों ना बोले, ये भी मेरी फैमिली की मेंबर है। अच्छा आप छोड़े, आप बताए क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या होना है, हमारे घर का तो एक ही अजाब है, वो लड़का आजान। आंटी आप मेरा यकीन करें, कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे घर में जो फ्लावर बुके आया था उसमें जो लव लेटर आया था उसे तुम गलत फहमी कहती हो? आंटी ये इल्जाम है। ये सब तुम्हारी ढिटाई का नतीजा है। देखो सारा, मैं तुम्हारी खैर खा हूँ इसलिए तुम्हें दोस्तों की तरह बता रही हूँ कि अब शादी हो गई है तो भूल जाओ ना उस लड़के को। आई नो मूविंग ऑन इज नॉट ईजी, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। रोज सफर करता है यार वो, कुछ तो ख्याल करो, सोचो। अरे इसको क्या फिक्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जरूरत की चीजें तो पूरी हो रही हैं, सारी अयाशियां हो रही हैं, इतना कंफर्ट मिला हुआ है, इसे थोड़ी फिक्र होगी। बेटा अबू, अबू आप शाम क्या कर रहे हैं? बेटा तुम्हें देखने आया था। इशरत बहन पता नहीं क्यों गुस्से में, लेकिन इशरत बहन आप भी तो एक औरत हैं, इस तरह आपने थप्पड़ मारा। बात सुनिए, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप ना अपनी बेटी से पूछे कि मेरे घर में चल क्या रहा है। अबू मैं आपसे कह रही ना, बस गलत फहमी हुई है। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।